हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स विथ लव। आज हम बनाएंगे पोहा चिवड़ा। इसे हम बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही कम ऑयल में, और एक महीने तक एयरटाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इसे आप टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ 200 ग्राम जैसा चिवड़ा ले रही हूँ। दो तरह का चिवड़ा मिलता है मार्केट में, एक बहुत ज़्यादा पतली होती है और एक थोड़ी सी मोटी होती है। तो हम मोटी वाली यूज कर रहे हैं, जिससे हम पोहा बनाते हैं ना, वही वाली है ये। अब एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे 2 चम्मच, और ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे और फ्लेम को हमें हाई में रखना है। और 2 मुट्ठी जैसा चिवड़ा डालेंगे, एक ही साथ सारा चिवड़ा नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे भूनना है, और वो भी पूरा हाई फ्लेम में। एक ही बार सारा चिवड़ा डालने से अच्छे से नहीं भून पाएगा और क्रिस्पी भी नहीं हो पाएगा। मार्केट में मिलने वाला चिवड़ा जो होता है, उसे डीप फ्राई करके बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। इसे हम कम ऑयल में बना रहे हैं, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और टेस्ट में बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा। इसे अब भी हम हाई फ्लेम में भून रहे हैं। चिवड़ा अच्छे से रोस्ट हुआ है कि नहीं पता करने के लिए थोड़ा सा चिवड़ा को हाथों में ऐसे लेके दबाएं। चिवड़ा अगर अच्छे से रोस्ट हो गया है तो क्रंची आवाज आएगा और आसानी से टूट के चूर हो जाएगा। इसे रोस्ट होने में करीब और 2 मिनट लगेगा, क्योंकि ये आसानी से टूट नहीं रहा था और इसका आवाज़ भी नहीं आ रहा था। इसे अब हाई फ्लेम में ही चलाते रहना है, और चिवड़ा जब अच्छे से रोस्ट हो जाए तो उसे प्लेट में तुरंत ही निकाल लें। कढ़ाई में ऐसे ही रहने नहीं देना है, नहीं तो कढ़ाई का गर्म से चिवड़ा जो है ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा। चिवड़ा का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये रोस्ट भी अच्छे से हो गया है, तो हमें अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे अब प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही करके सारा चिवड़ा को भूनेंगे। सारा चिवड़ा को मैंने 4 बार करके भूना है, थोड़ा थोड़ा करके। अब इसका मसाला निकाल लेते हैं। एक कटोरी में सबसे पहले लेंगे नमक 1 चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच। काला नमक से इस नमकीन में टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब डालेंगे चाट मसाला 1/2 चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चम्मच। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ तीखेपन के लिए सूखी लाल मिर्च का यूज करूँगी, इसीलिए मिर्ची पाउडर का यूज नहीं की हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर आप यूज कर सकते हैं। ये अब मिक्स हो गया है, तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप जैसा मूंगफली के दाने और इसे मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। मूंगफली को भूनने में करीब 3 से 5 मिनट लग जाता है। ये अब हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे काजू। ये चिवड़ा नमकीन में काजू और मूंगफली के दाने जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप डाइट चिवड़ा बना रहे हैं तो काजू और मूंगफली को स्किप कर सकते हैं। काजू को फ्राई होने में करीब 1 से 2 मिनट लगता है, और अब इसमें गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब बची हुई ऑयल में ही डाल रही हूँ 3 सूखी लाल मिर्च, और अब इसमें डालेंगे 20 से 25 करी पत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे चिवड़ा का फ्लेवर जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे अब लो फ्लेम में ही भूनेंगे 30 सेकेंड के लिए, और गैस का फ्लेम को लो में ही रहने देंगे, और जो सूखे मसाले निकाल के हमने रखा था उसे अब इसमें डाल देंगे, और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहना है। गैस का फ्लेम जो है लो में ही रहना चाहिए, नहीं तो मसाले जो है जल सकते हैं। अब चिवड़ा को भी हम इसमें डाल देंगे और डालेंगे भुना हुआ मूंगफली और काजू। गैस का फ्लेम को ऑफ करके ही मिलाना है, नहीं तो चिवड़ा और मसाला जो है जल सकता है। इसे अच्छे से मिलाएं, जैसे कि सारे मसाले चिवड़ा में अच्छे से मिल जाए, तभी चिवड़ा जो है टेस्टी बनेगा। अब ये मिक्स होने के बाद फिर से इसे प्लेट में निकाल ले, नहीं तो अगर ये कढ़ाई में रहेगा तो ये जल सकता है। अब ये देखिए, ये अच्छे से मिल गया है, और इसका कलर देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसे आप एक बार बनाइए और 1 महीने तक इसे एयरटाइट जार में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मार्केट के डीप फ्राई चिवड़ा से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।